कल से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार भी अब इसे आम पब्लिक के लिए सार्वजनिक कर सकती है और इसे लगवाने का आदेश जारी कर सकती है। पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश में कोरोना वैक्सीन पर सियासत गर्म हो गई है। अखिलेश यादव ने कल अपनी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया कि वो देश में आने वाली कोरोना वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे। उन्होंने जल्द ही आ रही कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की कोरोना वैक्सीन घोषित किया है तथा वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश के इस बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। भाजपा की तरफ से अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के बयान को बेहद शर्मनाक बयान करार दिया है। उन्होंने अखिलेश के बयान को देश के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों का अपमान बताते हुए कहा है कि अखिलेश को वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता दीपक सिंह ने अखिलेश के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत में निर्मित होने वाली ये वैक्सीन को लेकर भाजपा सरकार के मंत्रियों नेताओं ने जिस तरह से राजनीति की है उसके चलते अब देशवासियों को भरोसा नहीं रहा है। इस भरोसे को कायम रखने के लिए जिन लोगों ने राजनीति की है उन्हें आगे आकर टीका लगवा कर भरोसा देना पड़ेगा। इस बीच कल राजधानी लखनऊ में KGMU के कलाम सेंटर में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ था जिसमें 85 स्टूडेंट्स पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा था। वैक्सीन लगाने के बाद स्टूडेंट को ऑब्जर्वेशन रूम में देखा जा रहा था। ऑब्जर्वेशन रूम में टीका लगाने के बाद एक स्टूडेंट को अचानक चक्कर आ गए जिसके बाद उस स्टूडेंट को इमरजेंसी में भर्ती किया गया। आपको बता दें कि देश में जब से कोरोना संक्रमण फैला है तभी से पूरे देश को कोरोना वैक्सीन का इंतजार हो रहा था और कल जाकर देश की पहली स्वदेश निर्मित सीरम इंस्टीट्यूट की एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन पूरे देश में शुरू हो चुका है। तो आज की इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए publicnewstv.in पर बने रहें।